प्रदेश की योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाथरस कांड का दोषी करार देते हुए जोरदार हमला बोला है। साध्वी ने सीधे तौर पर कहा कि हाथरस की बेटी के दुर्व्यवहार करने वाले सपा के गुंडे हैं और उसके पिता की हत्या भी उन्होंने ही की है। अपने कार्यकर्ताओं को घिरता देख अब अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। इस मुद्दे पर मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए सवालों पर हताशा में सपा मुखिया ने मीडिया को ही बिका हुआ कह दिया। साध्वी गीता प्रधान इतने समय से शांत नहीं हुई। उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खींचते हुए कहा, 2014 में मुरादाबाद में ही मंच से उन्होंने दामिनी कांड के दौरान कहा था कि लड़के हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, अब क्या फांसी दे दोगे। साध्वी गीता प्रधान योगी सरकार में SC ST आयोग की सदस्य हैं और अपने मुखबिर बयानों के लिए जानी जाती हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जब दामिनी कांड हुआ था तब उन्होंने एक बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो सीधा सीधा ज्ञात होता है कि इसमें सपा की सीधी सीधी सह है और इसलिए ये घटना हुई है। इस बेटी के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो केवल और केवल सपा के गुंडों ने की है। अखिलेश यादव जी की इसमें सह है, इसीलिए वो बौखला रहे हैं क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो किस चीज़ का मीडिया के सामने जवाब दें और किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाएं, इसीलिए वो मीडिया के सामने आने से घबरा रहे हैं और मीडिया के सामने इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके की बौखलाहट वो दिखा रहे हैं।